तो साथियों नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं इनोवेशन एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। आज हमारा विशेष टॉपिक रहेगा, गर्मी में जो छोटा काफ होता है उसको दस्त लग जाते हैं, उसके क्या कारण होते हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं, उसके क्या उपचार होता है, वो सारी चीज़ें हमारे जो डॉक्टर साहब हैं वो बताएंगे। तो डॉक्टर साहब अपना परिचय दें पहले। मैं डॉक्टर ओंकार सिंह, रिटायर्ड वेटनरी सर्जन, और इसमें एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में मैं लगभग 5 साल से अपनी सेवाएं दे रहा हूं। और यहां पर हमारे इंस्टीट्यूशन में सभी स्टेट से बच्चे पूरे ऑल इंडिया से आते हैं और यहां पर 3 महीने की ट्रेनिंग लेके चले जाते हैं। उसमें हम 2 महीने की थ्योरी पढ़ाते हैं, 1 महीने का प्रैक्टिकल करवाते हैं। तो बड़े अच्छे तरीके से उनको संतुष्ट करके हम उन्हें अपना स्वरोजगार कर सकते हैं, एआई कर सकते हैं, और फर्स्ट एड किट, फर्स्ट एड पशुओं का फर्स्ट एड कर सकते हैं। तो इसमें वो अपना स्वरोजगार चला सकते हैं। तो साथियों आज आप देख पा रहे हैं बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भारत सरकार, पशुपालन विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त ये ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग लेने के बाद पूरे इंडिया में आप अपना कहीं भी रोजगार कर सकते हैं। तो साथियों अभी हम चलते हैं छोटे काफ में दस्त का इलाज क्या होता है, उसके उपचार क्या होते हैं। दस्त के आजकल छोटे जो काफ होते हैं उनमें जो गाय के, भैंस के, तो उनमें दस्त लग जाते हैं। दस्त लगना एक पशु के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि उसमें यदि डिहाइड्रेशन हो जाए, उसमें पानी की, खून के अंदर पानी की कमी हो जाए, तो उसमें 20% यदि उसका पानी का लॉस हो जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है। तो इसके कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से कि छोटे काफ के अंदर दस्त लग जाते हैं। तो इसमें कई कारण हैं, जैसे नंबर एक है कि ई कोलाई का इन्फेक्शन हो जाना। इस्चिरिचिया कोलाई एक बैक्टीरिया होता है, उसका आंत के अंदर इन्फेक्शन होने से उसमें छोटे काफ के अंदर उसके दस्त लग जाते हैं। इसके अलावा भी और भी कई कारण हैं जिससे कि दस्त लग जाते हैं। एक छोटा जो काफ होता है, जब पार्चुरेशन होता है, पशु, मादा पशु ब्याता है, तो उसमें ब्याने के बाद उसको छोटे काफ को खीस खिलाना बड़ा ज़रूरी होता है। तो यदि उसको खीस नहीं, किसी वजह से वो नहीं ले पाता, तो उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है, किसी बीमारी से लड़ने की ताकत बहुत कम हो जाती है, जिससे कि उसमें बार बार दस्त उसके लगते रहते हैं। एक ये भी कारण है। तीसरा कारण ये भी होता है कई बार कि काफ मादा के पेट के अंदर बच्चा होता है, तो उसके अंदर, मादा के अंदर यदि कोई कृमि होते हैं, कीड़े होते हैं, तो वो भी काफ के अंदर चले जाते हैं, तो वो भी एक कारण होता है कि उसमें दस्त लग जाते हैं। और चौथा कारण होता है कि उसमें कई बार काफ जो होता है वो ज़्यादा अपने खूंटे से अपने ज़्यादा दूध पी लेता है, तो उस वजह से भी, ज़्यादा दूध पीने की वजह से भी उसको दस्त लग सकते हैं। तो ये तो इसके कारण हुए। और इसके लक्षण क्या हुए कि लक्षण इसमें हम बता सकते हैं कि लक्षण दस्त लग जाएंगे, दस्त दिखते हैं, उसके साथ में म्यूकस आने लग जाती है, उसके साथ में ब्लड आने लग जाता है, और छोटा काफ है वो खाना बिल्कुल, दूध पीना बिल्कुल बंद कर देता है, कमज़ोर हो जाता है, उसके साथ में ब्लड भी आता है तो खून की भी कमी हो जाती है, और इसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, दांत पीसने लग जाता है, कमज़ोरी इतनी आ जाती है कि वो उठ भी नहीं उठ भी नहीं सकता, काफ इतना कमज़ोर हो जाता है। तो उसमें अल्टीमेटली यदि उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते तो उसमें पानी का लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और 20% कोई भी ह्यूमन बीइंग है या कोई काफ है या कोई एनिमल है, उसके अंदर, ब्लड के अंदर 20% यदि पानी का लॉस हो जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है। कोई भी एनिमल हो सकता है, कोई भी ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है उसमें। तो इससे बचाना है हमें कि उसकी डेथ ना हो, तो इसलिए उसको हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तो उसको हम ये देख लेते हैं कि उसका डीवर्मिंग कर देते हैं कि उसके अंदर कोई वर्म वगैरह ना हो। तो यदि कोई वर्म होता है तो वो डीवर्मिंग के कारण कोई एलबेंडाजोल या फेनबेंडाजोल दवाई या पिपराजिन दे देते हैं। एलबेंडाजोल और फेनबेंडाजोल देते हैं तो 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से उसको देते हैं, और यदि पिपराजिन देनी है तो पिपराजिन भी हम दे सकते हैं। वैसे कई डीवर्मर आते हैं, कोई भी दे सकते हैं, इसमें पिपराजिन देते हैं तो 200 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं, तो उसके वो जो वर्म होते हैं वो मर जाते हैं, उसकी वजह से यदि दस्त लगे हुए हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। साथ में हम
ट्रीटमेंट कर देते हैं कि उसको ड्रिप वगैरह चढ़ा देते हैं, यदि उसकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है, नाजुक कंडीशन है, तो उसको हम एक ही लीटर उसको डेक्सट्रोज या नॉर्मल सलाइन या इंटालाइट, ये नॉर्मल सलाइन वगैरह ये ड्रिप वगैरह चढ़ा देंगे तो उसकी पानी की कमी है वो दूर हो जाएगी। साथ में उसको उसको एंटीबायोटिक भी लगा देते हैं कि एंटीबायोटिक इसलिए मुंह से भी दे सकते हैं हम एंटीबायोटिक, और उसको इंजेक्शन के रूप में भी दे सकते हैं। तो जैसे कोई भी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, सल्फाडीमिडीन है, ये कोई भी हमें सल्फा ड्रग या एंटीबायोटिक उसको दिया जा सकता है। सल्फा ड्रग भी दस्त के अंदर बड़ा अच्छा काम करता है, तो सल्फाडीमिडीन देते हैं हम उसको, आईवी दे देते हैं तो वो ठीक हो जाता है। या कोई एंटीबायोटिक हम दे सकते हैं, जैसे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं या सेफ्टिक जोन दे सकते हैं। बोलस भी आती हैं, इसकी बोलस भी हम मुंह से उसको खिला सकते हैं, जैसे बेस्ट के नाम से बोलस आता है, तो आधा बोलस उसको छोटा काफ है तो उसको हम पानी के अंदर घोल के उसको पिला सकते हैं। तो इस वजह से दो या तीन दिन देने से वो बिल्कुल काफ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसको ड्रिप लगाएं और उसको साथ में एंटीबायोटिक दें, साथ में उसको डीवर्मिंग कर दें, तो उसमें किसी भी तरह के किसी भी कारण से यदि दस्त लगे हुए हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और काफ बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, इसमें जैसे आपने बताया कि ये दवाई बहुत अच्छी बात है, और जैसे कई छोटे काफ होते हैं तो क्या उसको उसकी माँ का दूध पिलाना चाहिए या हमें क्या खिलाना पिलाना चाहिए, विशेष हमें क्या ध्यान देना उसको चाहिए? सबसे पहले तो ये जरूरी होता है कि जो पहली बार का जो खीस होता है, कोलोस्ट्रम बोलते हैं इंग्लिश में उसे, तो खीस उसको बड़ा जरूरी होता है, और तीन दिन तक जो पहली बार का खीस होता है उसमें बड़ी ताकत होती है, कैल्शियम होता है, विटामिन ए होता है, और बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है उसके अंदर, तो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो एंटीबॉडीज उसके अंदर डिवेल्प हो जाती है, और बीमारियों से यदि वो तीन दिन भी खीस पी लेता है तो उसके अंदर इतनी ताकत हो जाती है कि बीमारी जल्दी से उसके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकती। तो खीस उसको बड़ा ज़रूरी होता है, और फिर साथ में हम दूध पिलाएं उसको, वो चीज़ जरूरी, तीन दिन के बाद फिर दूध बन जाता है, तो दूध पिलाना चाहिए। तो साथियों, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई है, अगर कोई और जानकारी लेना चाहते हो तो आप हमारे कमेंट में दे सकते हो। नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।